तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ठीक है, अब प्रिंसिपल में और लॉ में क्या डिफरेंस है? बारीक सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जिससे आप काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बारीक सा डिफरेंस, एकदम थिन लाइन। प्रिंसिपल बेसिकली पूरे एंटायर सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, प्रिंसिपल पूरे एंटायर सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है, वही लॉ जो सिस्टम डेवलप्ड है उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रिंसिपल में और आपका लॉ में। ठीक है, जैसे मानिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ अगर समझ में आ जाए तो आगे की बात इजीली समझ में आ जाती है। स्कूल है करेगा आपका, स्कूल है, ठीक है, स्कूल में क्या है, प्रिंसिपल है और टीचर्स है। स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रिंसिपल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एग्जांपल प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जरिए से लीजिए। वही पैथी को डेवलप करने के लिए, वही स्कूल को डेवलप करने के लिए आपको टीचर्स की जरूरत है। आइडियाज तो प्रिंसिपल देंगे, लेकिन उस आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे? टीचर्स करेंगे, मेहनत टीचर्स करेंगे। तो ये हमारे पैथी में क्या है, लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक सिस्टम है जिसपे बेस्ड है, और सिस्टम को आगे बढ़ाने में, ट्रीटमेंट करने में, मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन का उपयोग करने में, ठीक है, डिसीजेस को डिस्कवर करने में लॉस का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे इस एक मिसाल से। ये मिसाल को याद रखिए तो आप बात इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लॉस नहीं है जो एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, हमें सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिक लॉस है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरा बेस है। क्योंकि ये अगर आप ध्यान में रख के ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप वो नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे जो नतीजा इलेक्ट्रो होम्योपैथी देने वाला था। ठीक है, नतीजा तो मिलेगा लेकिन कंप्लीट सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि लॉस के बेस पे आपने ट्रीटमेंट नहीं किया। तो पहला लॉ क्या है, लॉस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, इसका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये ऐसे नहीं है लॉ के डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने डेवलप नहीं किया, लेकिन अपने अपने फील्ड में उसको डेवलप किया था, उसको अपने फील्ड में रखा था। लेकिन डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने उस लॉ को अपने पैथी में एडप्ट किया, एडप्ट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये लॉ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेजिटेबल किंगडम, ये पहला लॉ है। सेकेंड लॉ लॉ ऑफ पोलैरिटी है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। चलिए एक एक चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जानिए, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आपको मालूम है जब बचपन में हम लोगों ने या फिर स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, वहाँ पे कहते थे एक एटम है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और एक इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिससे आपका जो एनर्जी है वो मेंटेन हो रहा है बॉडी में, या फिर चाहे वो फिजिकल मैटर हो या केमिकल मैटर हो, चाहे वो कोई भी मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उसी को डिफाइन करेंगे, यानी एक ऐसा एलिमेंट है। देखिए ये सब चीज़ें आपको आंखों से देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, आंखों से देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। जब हम 8th में 9th में पढ़ते थे तो शायद जब हमें माइक्रोस्कोप के नीचे अगर बता देते थे तो हमें ये सब चीज़ें इजीली समझ में आ जाती। हालांकि उस वक्त ज़्यादा प्रैक्टिकल की जगह थ्योरेटिकल ज़्यादा नॉलेज मिलता था। ठीक है, हालांकि ये चीज़ ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल बेस है। आप जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इमेजिन करिए अपने ब्रेन में, उसको इमेजिन करिए, एक चीज़ है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, बॉडी का पार्ट,
या कुछ भी हो, उसके अंदर आप डीपर से डीपर जाते रहेंगे तो आखिरी में मिलेगा एक एटम। वो कुछ भी नाम हो सकता है एटम का। एटम एक कॉमन नेम जो हर सेल में, हर फिजिकल या केमिकल एलिमेंट में पाया जाता है। फिजिकल मतलब जिसका स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कुछ जान है, जान हो या ना हो, ठीक है। केमिकल मतलब जिसके अंदर स्ट्रक्चर है लेकिन साथ में अंदर ऐसा नेचर है जो अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है। उसको हम केमिकल नेचर मानेंगे। तो यहाँ पर अब इमेजिन करिए कि एक एटम है, उसके अंदर पॉजिटिव है, उसके अंदर नेगेटिव है, उसके अंदर न्यूट्रल। ये तीन चीजें जरूरी है आपको हर हर एटम में। अब ये बात अलग है, किसी के पास पॉजिटिव प्रोटॉन्स, पॉजिटिव को प्रोटॉन कहेंगे, ये साइंटिफिकल नेम। न्यूट्रल को न्यूट्रॉन कहेंगे, माइनस नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। किसी के पास प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं तो वो पॉजिटिव आयन कहलाएगा, जैसा कि कैल्शियम है। हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये चीज, कैल्शियम क्या है? पॉजिटिव आयन है, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा, ठीक है। क्लोराइड है, ये नेगेटिव आयन है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल जो है, सेल के अंदर पॉजिटिव आयन्स अगर होंगे तो ये काम करेगा, नेगेटिव आयन रहेंगे तो ये रेस्ट करेगा। तो इसी को हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना याद रखिए यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। नेगेटिव आयन्स रहेंगे यानी इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सेल रेस्ट करेगा। पॉजिटिव प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो सेल फंक्शन में आएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या क्या है? जैसा कि आप कैल्शियम है, इसमें पॉजिटिव आयन्स है। क्लोराइड है, ये नेगेटिव आयन्स है। तो सेल के अंदर क्लोराइड अगर ज्यादा होगा तो आप रेस्ट में रहेंगे, आपका सेल रेस्ट में रहेगा। आपके कैल्शियम अगर सेल के अंदर ज्यादा रहेंगे तो सेल पॉजिटिव में होगा, आप फंक्शनिंग में होंगे। इसीलिए बॉडी में अगर कैल्शियम कम हो जाए तो आपको क्या होगा, किसी पेशेंट को क्या कमजोरी आएगी, निढालपन, वीकनेस आएगा, मजल क्रैम्प्स होंगे, मजल अकड़ जाएंगे, जकड़ जाएंगे, बार बार अकड़न होगी गर्दन में, कमर में, पैरों में, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी ना आने दे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? जहां पे पॉजिटिव आयन ज्यादा हो। तो हमारे प्लांट्स में, अच्छी तरीके से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे प्लांट्स में भी ये ही पॉजिटिव आयन्स रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जाकर जहाँ पे डिसीजेस है उस डिसीज को वो क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये एयर के अंदर है, क्योंकि एयर में भी पॉजिटिविटी है, पूरे लिविंग सब्सटेंसेस में है, एनिमल्स में भी है, वेजिटेबल्स में भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर पूरी बॉडी क्या है, बेकार है। आप खुद देखेंगे, नर्व्स, नर्वस सिस्टम देखेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। हमारी लैंग्वेज उर्दू है, किसी की लैंग्वेज इंग्लिश है, ये कम्युनिकेशन का एक रास्ता है। लेकिन नर्व्स जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से होगा। तो ये चीज उस वक्त हमारे डॉक्टर काउंट सेजर मैटी ने ऑब्जर्व किया था कि बॉडी जैसा वेजिटेबल में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस है, ये किसी ने ये लॉ इन्वेंट किया, लेकिन इसको कंपेयर किया बॉडी के साथ, तो बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस प्रोटॉन जब बॉडी में कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, ठीक है, सोडियम कम हो जाए, ठीक है, विटामिन ए कम हो जाए, तो प्लांट्स में मौजूद जो प्रोटॉन्स है, प्लांट्स में मौजूद जो कैल्शियम है, प्लांट्स में मौजूद जो विटामिन ए है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे बॉडी को बैलेंस करने। तो इसी को उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन द वेजिटेबल किंगडम, ठीक है। कैसा ये आता, ये देखिए, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इमेज से भी आप इजीली समझ सकते हैं प्लांट्स को क्या क्या
मिलता, देखो गैस मिलता, इस गैस को अब्जॉर्ब करता प्लैंट, प्लैंट को लाइट मिलता, लाइट्स को अब्सॉर्ब करता। तो इलेक्ट्रिसिटी नेचर में है, प्लांट्स को एयर के जरिए से, प्लांट्स को सनलाइट के जरिए से, तो सनलाइट और एयर को अब्सॉर्ब करके अपने अंदर इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको जनरेट करता। ठीक है, ये सब चीजें हमें जरूरी है। अब देखिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ये तो एयर के जरिए से, सनलाइट के जरिए से मिलता है, इसलिए देखिए अगर सनलाइट किसी को, प्लांट को ना मिले तो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। हवा ना मिले तो पत्ते क्या है, सूख जाते हैं। तो उसकी एनर्जी बाकी रहने के लिए सनलाइट की भी जरूरत है और एयर की भी जरूरत है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कैसा मिल रहा है, बाय अब्सॉर्बिंग लाइट गैसेस। ठीक है, तो ये थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, यानी एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये अब जब सनलाइट आपके प्लांट्स के ऊपर गिरता है तो क्या होता है, इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, फोटोसिंथेसिस बहुत इजी है। इसी थ्योरी को उन्होंने 200 साल पहले इसको लिया था, लेकर इलेक्ट्रोहोमियोपैथी को उसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता, प्लांट्स क्या करता है, सांस लेता है और रेडिएशन जो प्लांट सनलाइट के जरिए से आती है, तो हमारे प्लांट के एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये उस सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे सेल, यानी जो लीव्स है, ठीक है यहाँ देख सकते हैं आप, लीव्स है, वो लीव्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, शुगर से, ठीक है, वाटर को अब्सॉर्ब करना है, ये सब चीजें यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को डॉक्टर काउंट सेजर मैटी ने देखा और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी तो वेजिटेबल्स में है, क्योंकि ये एयर अब्सॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट अब्सॉर्ब करके अपने बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस वो ला रहे हैं, तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी को एक अच्छे से प्रोसेस के जरिए से उसको स्टोर करेंगे, एक तरीके से उसको स्टोर करेंगे। उसी का नाम उन्होंने रखा कोहोबेशन, यानी प्लांट्स की एनर्जी एज इट इज एनर्जी को निकालने का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे कोहोबेशन। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, इमेज से समझ में आ जाएगा। इमेज में देखिए, द प्लांट ड्रॉस अप वाटर थ्रू इट्स रूट, रूट के जरिए से पानी चूसता है वो, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर के जरिए से, एनर्जी सनलाइट के जरिए से लेता है, सनलाइट से जैसा एनर्जी आता है तो ये टर्न इनटू वाटर, देखिए वाटर से बदल जाता है, एंड CO2 इनटू शुगर्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को उसने इनहेल किया था वो शुगर्स में बदल जाता है, और शुगर्स में और ऑक्सीजन में बदल जाता है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, शुगर बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, तो शुगर यूटिलाइज करके वो प्लांट और ग्रोथ होता है। तो बहुत अच्छा है, थे वाटर, यानी जैसा सनलाइट पड़ा उसने उस सनलाइट के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया उसने एयर के जरिए से, तो दोनों मिक्स हुए, मिक्स होके वाटर में बना, शुगर में बना, ऑक्सीजन में बना, वाटर डीप में चले जाएगा, उसके बॉडी में यूटिलाइज होगा, नमी जो रहेगी, और ऑक्सीजन एक्सहेल कर देगा, वो छोड़ देगा, और कार्बन डाइ और शुगर्स को वो अपने पास रखेगा ताकि डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये चीज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उन्होंने अब्जॉर्ब किया था, जिसके जरिए से इस कोहोबेशन के प्रोसेस से आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकेंगे। वो क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले लॉस को डिस्कस कर लेंगे। तो ये लॉ ऑफ पीएच का फर्स्ट लॉ था, आपको समझ में आया होगा होप, अगर नहीं समझ में आया तो आप नोट डाउन करके रखिए क्वेश्चंस, आखिरी में मैं जवाब दूंगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पीएच में पार्ट टू में लॉ ऑफ सिमिलर। ये लॉस ऑलरेडी थे, इन्होंने इन्वेंट नहीं किया, ये बात याद रखिए, इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया इन्होंने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अब्जॉर्ब करके। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहला इफेक्ट लिम्फ पे होगा और बॉडी पे होगा, या फिर दोनों पे होगा। ठीक है, और इसके जरिए से बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे।
तो अब आपका काम ये है कि ब्लड एंड लिम्फ में दोनों दोनों में से कोई चीज अगर इफेक्ट हुई तो उसके जरिए से आप ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर जब लिम्फ एंड ब्लड खराब हो गए तो बॉडी का जो इलेक्ट्रिक सिटी का लेवल था, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें डिस्टर्ब होंगे। डिस्टर्ब होके बॉडी क्या होगा, बॉडी डिसीज की तरफ जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगा, बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आएंगे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आएंगे, भूख नहीं लगेगा, बॉडी में पेन रहेगा, ठीक है, नींद नहीं आएगी, ये सब चीजें होंगी। तो इसीलिए बॉडी के क्यूर करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सबसे मेन लॉ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी ब्लड एंड लिम्फ अगर खराब हो गए तो आप ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की दवाई सेलेक्ट करें जिसके जरिए से ब्लड एंड लिम्फ ठीक हो जाए। ठीक होकर आप डिसीज से, यानी ये दो बिगड़ गए ब्लड एंड लिम्फ, तो वाइटेशन अगर हो गए, वाइटेशन माने बिगड़ जाना, बिगड़ गए तो डिसीज आ गए बॉडी। अब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या करेगा, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में ब्लड को ठीक करने के लिए एक ग्रुप है, तो इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक ग्रुप इन्वेंट किया मेडिसिन का जिसका नाम है ए ग्रुप। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, ब्लड को ठीक करेगी, ब्लड के फंक्शन को ठीक करेगी, ब्लड के प्रोडक्शन को ठीक करेगी, ब्लड के प्यूरिफिकेशन को ठीक करेगी। तो यानी ब्लड जहां पे बन रहा है उस ऑर्गन को ठीक करेगी, ब्लड जहां पे यूटिलाइज हो रहा है वहां पे ठीक करेगी जाकर, ब्लड जहां पे प्यूरिफाई हो रहा है वहां पे जाके ठीक करेगी। तो ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी ब्लड की कमी हुई तो ब्लड की रेमेडी दीजिए, ब्लड की गड़बड़ी हुई ब्लड की रेमेडी दीजिए, ब्लड की प्यूरिफिकेशन सही नहीं हो रहा तो ब्लड की रेमेडी दीजिए। तो ये बराबरी हो गई, जो बीमारी ब्लड में आई वही बीमारी दूर करने के लिए ब्लड रेमेडी दीजिए। अगर लिम्फ में खराबी आई उसके लिए भी ग्रुप है, वो है एस ग्रुप। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ग्रुप है एस ग्रुप, ये पूरा का पूरा लिम्फ को सुधारने में लगा हुआ है एक ग्रुप, ठीक है। जैसा कि थायराइड आ गया, एस ग्रुप में से दीजिए आप, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स को बनाता है। ब्लड के अलावा जो भी लिक्विड बॉडी के अंदर है वो सब का सब लिम्फ है, जैसे आंखों से पानी बहना, मुंह में थूक का सलाइवा का प्रोड्यूस होना, ठीक है, हार्मोन्स का रिलीज होना थायराइड के जरिए से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज होना हाजिमे के लिए, पैंक्रियास का इंसुलिन का छोड़ना ताकि ब्लड में शुगर लेवल्स नॉर्मल हो, तो ये सब के सब क्या है, आपके लिम्फ है। ब्लड के अलावा जो भी है सब लिम्फ है, ठीक है, जो चाहे जो भी नाम दिया गया। तो अब ये ग्रुप जब देंगे आप मेडिसिन तो लिम्फ एंड ब्लड बैलेंस होंगे, तो जब वो बैलेंस होंगे तो बॉडी क्या होगी, आपकी हेल्दी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, हेल्थ आ जाएगा। तो बॉडी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ, बीमारी अगर ब्लड में आई तो ब्लड की रेमेडी दीजिए, बीमारी अगर लिम्फ की आई तो लिम्फ रेमेडी दीजिए। तो हमारा लॉ क्या है, लिम्फ एंड ब्लड अच्छा है, इक्विबिलिरियम है, तो ब्लड भी बॉडी भी अच्छी रहेगी, ये दोनों गड़बड़ होंगे तो बॉडी भी गड़बड़ होगी। तो ये सेकेंड लॉ आपको याद रखना है, प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लड बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ हो गई तो प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करके आप बॉडी में पहुंचा दिए तो बॉडी हील हो गया। लेकिन हील क्या करना है, ब्लड एंड लिम्फ को हील करना है, ब्लड की रेमेडी लेंगे तो बॉडी के अंदर ब्लड हील होगा, ब्लड के ऑर्गन्स हील होंगे, अगर आप लिम्फ की रेमेडी लेंगे तो बॉडी के अंदर लिम्फ हील होंगे, लिम्फ के ऑर्गन्स ठीक होंगे। तो ये क्या है, जब कभी कभी क्या होता है बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स डिसीजेस आ जाते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि भाई शुगर है, थायराइड है, ये सब बीमारियां कितने दिन में ठीक होंगे सर, डॉक्टर साहब बोल के आपके पास आएंगे पेशेंट्स, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ डिसीज कैसा होता है, एक शॉर्ट बताता हूँ, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी समझना है। पेशेंट, हर इंसान के अंदर लिम्फ होता है, ब्लड होता है, तो ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, अब किसी को मलेरिया हो गया, मलेरिया का एक मस्कीटो ने उसको बाइट कर दिया जिसकी वजह से उसको मलेरिया हुआ, तो मलेरिया कहाँ पे होगा, ब्लड में होगा, क्योंकि बाइट हुआ यहाँ पे, वो सीरम उसका गया ब्लड में,
तो ब्लड में चलेगा। तो ब्लड में जाने के साथ 1 3 to 5 days, अगर ब्लड उसका कमजोर है तो क्या होगा, 3 to 5 days के अंदर उसको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। अगर उसका ब्लड मजबूत है तो इसका असर नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा ब्लड, क्या करेगा उसको यूरिन के जरिए से या स्वेटिंग के जरिए से या फिर स्टूल के जरिए से बाहर निकाल फेंकेगा। वैसे तो देखिए, आप दिन भर कितने मच्छर आपको काटते होंगे या मुझे काटते होंगे, तो रोज थोड़ी मलेरिया होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका ब्लड, मेरा ब्लड, सबका ब्लड क्या है, एकदम गुड है, इक्विलिब्रियम में है। जिस दिन ब्लड कम होगा, कमजोर हो जाए, कैसा कमजोर होगा, उसके लिए 4 5 चीजें हैं, ठीक है। डिटेल हो जाएगा यहाँ पे, मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, फिर आगे बताऊंगा, आगे जब डिसीज के बारे में आएंगे, जहाँ जहाँ पे वहां पे चलेंगे। तो मलेरिया का मस्कीटो ने बाइट किया, बाइट करने के बाद ब्लड में चले गया, 3 to 3 to 5 days में के बाद सिम्टम्स आ गए। अगर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करे तो ब्लड से ऑर्गन की तरफ जाएगा, जो ऑर्गन कमजोर है, मान लीजिए लीवर कमजोर है, तो लीवर पे इफेक्ट करेगा। तो अब डिसीज का लेवल ग्रेड 2 में चलेगा, यहाँ पे ग्रेड 1 में था, ठीक है, ब्लड में रहने तक, ग्रेड 2 में चलेगा लीवर में आने के बाद। अब सातों सात ब्लड जब इफेक्ट होगा, ब्लड का दोस्त है लिम्फ, तो ब्लड ऑर्गन में जैसा इसकी डिसीज फैली, इसी की डिसीज लिम्फ में भी फैलेगी, ठीक है। सातों सात तो ऑर्गन पे इफेक्ट होगा, लिम्फ पे इफेक्ट होगा। अब जब लिम्फ पे फैलेगी तो लिम्फ की डिसीज बहुत लोअर लेवल में, इसको हम कहेंगे कोल्ड डिसीज कहेंगे, कोल्डनेस डिसीज कहेंगे, ठीक है। ये ऊपर ऊपर में है तो हीट में था, ये क्रॉनिक में चले गया, एक्यूट था ये क्रॉनिक में चले गया। तो लिम्फ में जब जाएगा, लिम्फ क्या करेगा, पूरी बॉडी में फैलाएगा, बॉडी के डीपर लेवल तक कनेक्शन है लिम्फ का। तो जब लिम्फ में जाएगा तो लिम्फ का जो ऑर्गन कमजोर है उसको इफेक्ट करेगा, जैसे थायराइड कमजोर है तो थायराइड पे अटैक हो गया, तो अब थायराइड के सिम्टम्स देखना शुरू हो गया, यानी मलेरिया से आपको थायराइड भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसा हुआ बोले तो ऐसा हुआ, मलेरिया से शुगर भी आ सकता है। अगर पैंक्रियास किसी के कमजोर है तो वो लिम्फ कमजोर हुआ तो वो लिम्फ जाके उसके अपने केमिकल्स के जरिए से पैंक्रियास पे अटैक किया, तो पैंक्रियास अपना फंक्शन डिस्टर्ब कर दिया, इस वजह से आपको शुगर आया। तो ये सब चीजें बॉडी के अंदर होते रहती है। तो अब शुगर अगर आ गया, थायराइड आ गया मलेरिया की वजह से, तो अब बताइए आप कितने टाइम लगेगा। तो पेशेंट को कहेंगे पहले आपका ब्लड ठीक होगा, फिर ब्लड के वजह से लीवर खराब हो तो लीवर ठीक होगा, लीवर की वजह से लिम्फ खराब हो तो लिम्फ ठीक होगा, लिम्फ की वजह से पैंक्रियास खराब हुई तो पैंक्रियास ठीक होंगे। तो ये साइकिल रहेगा, रिवर्स साइकिल रहेगा आपके बॉडी को हील करने में, ठीक है। तो ये बेसिक था, और इसका डिटेल में जब हम डिसीजेस के बारे में बात करें, जब बात करेंगे, तो ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, क्यों हम कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन लेना पड़ेगा, एक दवाई से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जाके वो कॉम्प्लेक्सिटी जो बॉडी में फैल गई वो ठीक होने लगेगी, फिर आपको हेल्थ मिलेगा, बॉडी इक्वलिटी में आएंगे, ठीक है। तो यहां तक रखने देंगे या फिर आगे बढ़ेंगे, आप लोग बताइए, कहीं ज्यादा। तो आज लॉ ऑफ पीएच पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था, थर्ड पार्ट कल पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि इसको समझना है, इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।